हाय गाइस, चलिए बनाते हैं हम मटन करी। इसको आज हम बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में बनाएंगे और जो मटन है वो एकदम से बढ़िया सॉफ्ट और अंदर तक इसमें नमक मिर्च जाएगा और एकदम टेस्टी बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो मटन। ये बकरे का मीट है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और छन्नी में रख दिया है ताकि इसके अंदर कोई भी एक्सेस वाटर हो तो वो निकल जाए। अब हम इसको करेंगे मैरिनेट। तो इसको मैरिनेट करके बना लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और इसमें अंदर तक नमक मिर्च जाता है। तो इसके लिए मैं 4 चम्मच घर का जमा हुआ गाढ़ा दही है, ये 4 चम्मच दही मैं डाल लूँगी। अब इसके अंदर डालूँगी लहसुन अदरक, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मटन में। अब डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च फॉर अ गुड कलर और 1/2 चम्मच हल्दी। इन सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें अब हम डाल देंगे अपना मटन। तो मटन के सारे पीसेस को इसमें डालकर अब हम इसको अच्छे से साफ हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो इनको हाथों से मिक्स करने से ये एक एक पीस के ऊपर इसकी अच्छे से कोटिंग लग जाती है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढक कर साइड रख देंगे मिनिमम 1 आवर के लिए और मैक्सिमम 2 से 3 आवर्स जितना आपका मन करे। तो उतनी देर हम लगा लेते हैं इसको तड़का। तो मैं इसको लगा रही हूँ ऑलिव ऑयल में तड़का, आप चाहे तो देसी घी में का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कुकर में मैंने डाल लिया है ऑयल। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुछ खड़े मसाले, तेजपत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 8-10 दाने काली मिर्च और 2 लौंग ये डाल देंगे। अब मैं डाल रही हूँ दालचीनी का पाउडर, आप चाहें तो साबुत दाल मिर्च का दालचीनी का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। अब 1 चम्मच जीरा। इन सारे मसालों को अच्छे से अपना फ्लेवर छोड़ने देंगे, फिर हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक जिसको मैंने बारीक बारीक क्रश कर लिया है, 1 पूरी गट्ठी लहसुन की और 2 इंच टुकड़ा अदरक का। अच्छे से भुनना है अब हमने इसको। जब ये बिल्कुल अच्छा ब्राउन कलर का हो जाएगा तब इसके अंदर जाएंगे प्याज। ये देखिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े साइज़ के प्याज जिनको मैंने इस तरह से बारीक क्रश कर लिया है। आप चाहें तो मिक्सी में पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। अब प्याज और लहसुन अदरक को हमने बहुत अच्छे से भुनना है। प्याज का कलर डार्क ब्राउन हो जाना चाहिए। ये देखिए कितना सुंदर ब्राउन कलर के प्याज हो गए हैं। अब इस स्टेज पे गैस को सिम कर देंगे और इसके अंदर डालेंगे हम हल्दी। 1/2 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ मैं क्योंकि पहले भी हमने मैरिनेशन में हल्दी डाली थी, ज़्यादा हल्दी इसमें अच्छी नहीं लगती है। और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। अब इन दोनों मसालों को अच्छे से भून लेंगे। 2-3 मिनट सिम गैस पे इनको भूनेंगे जब तक इनकी कच्ची स्मेल जो है चली नहीं जाती। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक क्रश कर लिया है। तो 1 चम्मच हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो हरी मिर्च को भी 2 मिनट भून लिया है मैंने। अब इसके अंदर डालूँगी टमाटर। तो 4 बड़े टमाटर लिए हैं जिसका मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है। तो टमाटर डालते ही साथ में मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार और इनको भी अब हमने अच्छे से भूनना है। अब टमाटर हमारे 80% तक हो गए हैं तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। तो 1.5 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर का डाल दिया है और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। तो इन दोनों मसालों को भी अच्छे से भुनने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी के जिसे मैंने हाथों से क्रश कर लिया। तो इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। तो अच्छे से भूनते जाना है मसाले को, हमने सिम पे ही रखना है गैस को इस स्टेज पे। अब मैंने इसमें डाल दिया है 2 छोटे चम्मच मीट का मसाला। तो इसको भी 2 मिनट भून लेंगे। अब हमने अपने सारे मसालों को तब तक भुनना है जब तक वो ऑयल नहीं छोड़ देते। अब मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है तो हम इसमें अपना मैरिनेटेड मटन डाल देंगे।
अब मटन डालने के बाद हम गैस को फुल पे कर लेंगे और इस सारे को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको फुल गैस पे भूनते जाएंगे और साथ में इसको हिलाते जाएंगे। तो हमने इसको तब तक भुनना है जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाएगा और ये ऑयल नहीं छोड़ देगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है और मसाले ने सब साइड पे ऑयल भी छोड़ दिया। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो जितनी आपको ग्रेवी चाहिए हो उतना आप पानी डाल सकते हैं, और पानी हमेशा गर्म ही डालना है। तो जितनी ग्रेवी जिस हिसाब से आपको चाहिए हो। अब इनको कर लेते हैं हम मिक्स। तो मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए थी, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको लगा देते हैं ढक्कन और फुल गैस पे इसको 4 सीटी आने देंगे और फिर गैस को कर देंगे सिम पे और 10 मिनट इसको सिम गैस पे पड़ा रहने देंगे। अब इसकी सीटी जो है बच चुकी है और स्टीम भी निकल चुकी है। तो अब मैं आपको इसको खोल कर दिखाती हूँ। देखिए हमारी सब्जी बहुत ही अच्छी लग रही है। तो हिलाकर देख लेते हैं एक बार, पीस को तोड़ के देख लेते हैं। ये आराम से टूट रहा है, मतलब कि ये गल चुका है। तो अब लास्टली इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया और गैस को सिम पर करके धनिया डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट के लिए इसको सेक लगने देंगे। तो इसको ढक्कन से ही ढक देते हैं, बंद नहीं करना है, बस ऊपर से ढक देते हैं और 2 मिनट इसको सेक लगने देंगे। तो देखिए हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो इसको सर्व कीजिए फुलके के साथ या चावल के साथ। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।